गेंद पर रमजान को जाना होगा मैदान के बाहर। बड़ी मछली बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, क्या कैच लपका है। पहले की जड़ में रखा था, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रमजान, तो निराश और अपने आप को यहाँ पर अपने आप से सवाल पूछ रहे क्या मैंने गलती की है। गेंद स्लॉट में थी, प्लॉट में पहुंचाना चाहते थे मगर वहां पर समझ नजर आए, स्पीड ब्रेकर का काम किया और रमजान को भेजा है मैदान के बाहर। रॉयल का शिकार, बैक टू डगआउट। तो जरूर यहाँ पर हर एक खिलाड़ियों के लिए कैश प्राइज रखा गया है। एआर के फाइटर के ओनर सलाम भाई की तरफ से अगर विकेट चटकाएंगे तो 500 रुपए का इनाम होगा और कैश जो खिलाड़ी लेगा उसके लिए 500 रुपए का इनाम होगा। तो पहली गेंद पर विकेट चटकाया शाहिद ने, क्या लपका है समद ने, तो यहाँ पर 500 का इनाम जरूर आया सलाम भाई की तरफ से। न्यू बैटर मैदान के नजर आएंगे इस वक्त बादशाह, बादशाह खान लास्ट ईयर बेहतरीन इनिंग खेली थी बल्लेबाज ने। इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट खिलाड़ी वहां मौजूद है, मौका बना था। ओहो यहाँ पर थोड़ा से लेजी पर देखने को मिला, खिलाड़ी नजर आए वहां पर हबीब नजर आए। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम की बात की जाए इस वक्त पीर और रॉयल किंग्स। पहली गेंद पर पहला सिंगल बटर के बादशाह खान द्वारा इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे मिस्टर मुआज। फुल टॉस बॉल हल्के बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाएगा मिस्टर शुहेब। एक रन के साथ इसको घटा के चलते हुआ देख सकते हैं शाहिद गेंदबाजी के लिए, 3 गेंदें डाली हैं अभी तक। पहली गेंद पर विकेट चटकाया, 2 रन खर्च किए। बढ़िया गेंद इस वक्त काफी बाहर आए थे मगर अंपायर के दोनों हाथ खुलते हुए व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर कार्ड की बात की जाए एक रन उसके साथ आगे चलता बस स्कोर कार्ड जा पहुंचा 3 अंकों पर। पहली गेंद पर विकेट चटकाया था, पिछली 2 गेंद पर 2 सिंगल आए हैं, इस वक्त तो व्हाइट बॉल डाली गई। लोअर फुल टॉस गेंद थी, कार्पेट द्वारा खेला गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। तब तक 1 रन का इजाफा समीर, तो वहां पर स्कोर कार्ड जा पहुंचा 4 अंकों पर। 4 गेंदें 4, 3 सिंगल एक बाइट एक विकेट। यहां पर देख सकते हैं लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे मगर विकेट पर शौकीन से गलती हुई थी और बल्ले का सिरा जरूरी अंपायर दर्शा रहे। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलते, स्कोर कार्ड की बात की जाए 5 गेंदें 5 लग चुके हैं अभी तक, 4 सिंगल एक वाइट एक विकेट जरूर चटकाया गया। आखिरी गेंद की ओवर की सर, वेलकम सरवर बाबा, हल्के बल्ले से खेला गया, खिलाड़ी वहां मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है, तब तक थ्रो किया गया, 1 रन बटोरा जा रहा है। इंड ऑफ द फ्रेश ओवर हम देख सकते हैं, 1 विकेट नुकसान पर, रनों की बात की जाए रन लगे इसको कार्ड पर। उस वक्त देख सकते हैं हम दूसरी मैच चल रही है आज के दिन की, एआर के फाइटर 11 बनाम पीर वाला रॉयल किंग्स। अभी तक देख सकते हैं 1 ओवर समाप्त होती हुई 6 लगे स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है। एक बेहतरीन प्रतियोगिता इस माध्यम से हम देख सकते हैं। गेंदबाज की बात की हबीब को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। हल्के बड़े से कट किया, वहां पर खिलाड़ी है, कप्तान गेंद को फील्ड करेंगे, शॉट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। स्कोर कार्ड की बात कीजिए 7 अंकों पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। स्ट्राइक पर है इस वक्त मुआज, सलामी बल्लेबाज हैं। रमजान की बात की जब पहली गेंद खेली इनिंग की और
शून्य का चश्मा पहनकर मैदान के बाहर नजर आए। बढ़िया शुरुआत की थी गेंदबाज शाहिद द्वारा। हल्के बल्ले से यहां पर डाल दो, ग्राउंड खेलना चाहते थे, कारपेट द्वारा फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। गेंदबाज हबीब नजर, हबीब की बात, हबीब और शाहिद की पार्टनरशिप बढ़िया है, लगातार गेंदबाजी में बढ़िया साझेदारी करते हैं। करीम की बात की जाए, बढ़िया गेंदबाजी अटैक अभी तक लगाते हुए लगातार चार ओवर्स में अपने मुख्य गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फुलटॉस वाली खराब गेंद है, इस तरह की गेंद अगर आप बल्लेबाज को देंगे तो मैदान के बाहर खेलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त ये आता हुआ पीरवा रॉयल किंग्स के सम्मान में बेहतरीन चौका, बल्लेबाज की बात की जाए मुआज के बल्ले से। तो फुलटॉस गेंद, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा, इस वक्त हम देख सकते हैं 11 रन, 11 पर जा पहुंचा। गेंदों की बात की जाए, गेंदे हो चुकी ओवर में अभी तक तीन गेंदे 11 पर जा पहुंचा। तो देखेंगे इस वक्त 9 गेंदे और 11 लग चुके स्कोर कार्ड पर। तो बाहर में फोटो गेंद होगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फिल किया जाएगा, तब तक सिंगल बटोरा जा रहा है। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 12-12, लॉस ऑफ 1 विकेट। हम देख रहे हैं इस वक्त दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 3 आज का तीसरा दिन दूसरा मैच, पीरवारा रॉयल किंग्स बनाम एआरके फाइटर 11, ये दोनों टीमों के बीच में। गेंदबाज हबीब दो वाली छोर से, ओहो यहां पर डॉट बॉल लेफ्ट की थी। बल्लेबाज की बात की जाए, बल्लेबाज नजर आ रहे हैं मिस्टर बादशाह खान, 004 नंबर की जर्सी इस वक्त परिधान करके मैदान के अंदर। स्कोर कार्ड रुका, 12 अंक और 5 गेंदे अभी तक डाली जा चुकी, 2 सिंगल 2 डॉट 1 चौका जरूर बटोरा जा चुका पहली 5 गेंदों में। हल्के बल्ले से खिलाड़ी पे खिलाड़ी मौजूद मलिक, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा। बात की जो अभी तक एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करे, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लगे 13 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6.50 के औसत रन बनाए गए। टॉस जीता था एआरके फाइटर के कप्तान करीम ने और उस फैसले को सही साबित किया, पहली गेंद पर विकेट चटकाया था शाहिद रमजान जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेजा था। वहां से देख सकते हैं हम रनों को रोका जा चुका है, 2 ओवर और लगे हैं 13 एक विकेट के नुकसान पर। तो चलेंगे इस वक्त गेंदबाज की बात की जाए, मिस्टर शाहिद को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। शाहिद मुल्ला पहली वो डाली थी इंप्रेसिव गेंदबाजी। तो इस वक्त देख सकते हैं ऑन साइड पर खेला गया, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, समझ थोड़े से फंबल हुए मगर एक रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा, इस वक्त हम देख सकते हैं 14 अंकों पर 14 लॉस ऑफ 1 विकेट। हबीब की बात की जाए, हबीब ने ओवर डाली थी 7 का एक चौका जरूर आया था, पहली ओवर डाली थी मिस्टर शाहिद ने 1.5 सिंगल के माध्यम से 6 रन का एक विकेट चटकाया था। मुआज स्ट्राइक पर नजर आएंगे इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, अपने के बाहर थी गेंद को उछाला, खिलाड़ी वहां पर अर्शद नजर आ रहे हैं की तरफ तेजी से आए थे मगर बात की जाए एक रन बटा दूसरे का भी मौका बनाया, 2 रन पूरे किए गए, 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 16 रन। तो चलेंगे इस वक्त मैदान के अंदर स्ट्राइक पर है मिस्टर मुआज, फुलटॉस बॉल ऑन साइड पर खेला गया, कारपेट वाले देख सकते हैं डीप में खिलाड़ी मौजूद है मिस्टर शोएब, खराब फील्डिंग, समीर यहां पर खराब फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, 4 रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस वक्त टीम की बात की जाए। यार के फाइटर 11 को 4 रन लिखे जाएंगे समीर के नाम पर। मुआज की बात की जाए, सिर्फ दिशा दी थी, कारपेट द्वारा गेंद को खेला था। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त हम देख सकते 20 अंकों पर 2 ओवर 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ तीसरी ओवर प्रगति पथ पर नजर आ रही है। 15 गेंदे 20
पहली गेंद पर विकेट आने के बाद वो जो बढ़िया पार्टनरशिप लगाई जा रही है, अभी तक 14 गेंदों का खेल हो चुका है, 20 रनों की पार्टनरशिप लग चुकी है बादशाह खान और मुआज के बीच में। बेहतरीन शॉट, क्या खूबसूरत खेला गया है। कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यहाँ पर क्या बेहतरीन रास्ता बनाया दोनों खिलाड़ियों के बीच में से, मुआस के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन चौका, और देख सकते हैं पीर पर रॉयल किंग्स के सम्मान में ये चौका बटोरा गया बल्लेबाज मुआस के बल्ले से, इसको काट जा पहुंचा इस वक्त देख सकते हैं हम 24 24 अंकों पर, 24 लग चुके स्कोर कार्ड पर हम देख सकते हैं। फिर से एक बार शॉट खेला गया डीप में, समझ है कि इनको फील्ड किया जाएगा उनके माध्यम से, पहला तेजी से पूरा गया, दूसरे का मन बनाया था मैं बेहतरीन थ्रो, इसको काट जा पहुंचा 25 गेंदों की बात कर गेंदी हो चुकी है इस वक्त 5 गेंदे, थोड़ी सी महंगी ओवर डाली जा रही है, अभी तक 12 खर्च कर चुके गेंदबाज, 2 चौके आए इस ओवर में, आखिरी गेंद बादशाह खान स्ट्राइक पर नजर आएंगे। ऑफसाइड पर खेला गया अर्शद, वहां पर गेंद की तरफ जरूर आ रहे हैं, सिंगल बटोरा जा रहा है, स्कोर कार्ड की बात की जब 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे हैं इस वक्त 26-26, 1 विकेट नुकसान पर हम देख रहे हैं इस वक्त दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग 2023। तो देखेंगे इस वक्त मैदान के अंदर जो है प्रतियोगिता देख रहे हैं, जो खूबसूरत बाइक एक्टिवा सीसी प्रोवाइड की गई मैन ऑफ द सीरीज के लिए, एआर के फाइटर 11 के ऑनर साचन सर एंड सलाम सर के माध्यम से प्रोवाइड की गई है, और इस डीएमपीएल की बात की जो हमें सपोर्ट दिया गया है अल्लाह रखो साहब काकरिया यूके अहमद शरीफ साहू albeck.com के एक बेहतरीन कैफे आबिद भाई और अहमद शरीफ भाई के माध्यम से बेहतरीन सपोर्ट इस प्रतियोगिता में, जिस तरह से बात की जाए albeck.com द टेस्ट ऑफ मिडलिस्ट, यहाँ पर कैफे है, खूबसूरत सपोर्ट आबिद सर एज अ मैनेजमेंट कमेटी एंड अहमद शरीफ साहब के माध्यम से ये सपोर्ट किया गया है। फकीर मोहम्मद साहब डोगरिया यूके, शौकत उमर तैयब साहब यूके, कसीम आदम यूके, शोहेब फादरा यूके, आबिद जिंगमा यूके, मेहराज शेख यूके, मोहम्मद कल्ब कबू शेख साहब यूके। तो जैसे ही मैच हम आगे बढ़ाएंगे जरूर सभी स्पॉन्सर के नाम लिया जाएगा जो भी सपोर्ट इस प्रतियोगिता में किया गया है। हल्के बल्ले से खेला गया हबीब पे, पहले गेंद शॉट पर में करीम है कप्तान, गेंद तो यहाँ पर रोका गया था, थ्रो करना चाहते मगर अपने आप को रोका है, बैकअप नहीं था, एक सिंगल जरूर आएगा, 27 पर जा पहुंचा है, 27 पर जा पहुंचा इसको कार्ड, चौथी ओवर चल रही है प्रगति पथ पर, पहली गेंद पर विकेट आया था उसके बाद बढ़िया पार्टनरशिप पनपती हुई बादशाह खान और मुआज के बीच में, अभी तक गेंदों की बात की जाए 18 गेंदे और 27 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है मैदान के अंदर, और शॉट पॉइंट लेग पर गेंद को ट्रैवल किया गया, पैर से रोकना चाहते थे कि खिलाड़ी वहां पर नजर आ रहे, गेंद को रोका जाएगा क्या, और गेंद मैदान के बाहर, ये आता हुआ पीर बार रॉयल किंग के सम्मान में बेहतरीन चौका, शाहिद का प्रयास बढ़िया था मगर मुआज इस वक्त अलग रहे नजर आ रहे हैं, एक चौका जरूर बटोरा अभी तक बल्लेबाजी करे मुआज की बात की जाए 10 गेंदे 20 ओवर बल्लेबाजी कर रहे, 3 चौके 4 चौके अभी तक बटोरे जा चुके हैं मिस्टर मुआज, सलामी बल्लेबाज है और अपने आप को साबित कर रहे हैं, खूबसूरत बल्लेबाजी 10 गेंदे 20 बल्लेबाजी करते हुए, और यहां पर गलती गलती की जा चुकी है, ऐसा लगा कि बल्ले का हल्का सिरा लिया था और शौकीन शेख ने गलती की है, मुआज को मौका दिया है, जो बल्लेबाज लय में नजर आ रहा है उसे मौका देना कितना घातक साबित होगा, शौकीन आमतौर पर कैचे छोड़ते थे मगर यहां पर देख सकते हैं गेंद बल्ले का सिरा लेकर आई थी, मौका दिया है बल्लेबाज को, उड़ाया इस वक्त डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे, गेंद की तरफ काफी तेजी से आ रहे हैं इस वक्त समीर, गेंद को फील्ड करेंगे थ्रू करेंगे तब तक 1 रन के साथ रुकना होगा, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दील, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त हम देख सकते हैं 32 लगे गेंदों की बात, गेंदी हो चुकी है 5, अभी तक 7 खर्च कर चुके, 3 सिंगल 1 डॉट 1 चौका आता हुआ, आखिरी गेंद इस वक्त चौथी ओवर की, आपकी जगह 4 गेंद हो चुकी है, यस सर, ओके सर, ओके ओके सर, 2 बॉल्स, इसके लिए मैं बोला, इसके लिए मैं वो पार्क के रखता हूँ, पार्क के नहीं रखने, ये
कट किया गया वहां पर। डीप में खिलाड़ी काफी दूर है, गेंद जा रही है इस वक्त मैदान की तरफ, खिलाड़ी वहां मौजूद होंगे। खराब फील्डिंग का मुजाहरा, गेंद बाउंड्री के बाहर, मिलेगी रही चार, तो फिर बार रॉयल किंग्स का बेड़ा होगा पार। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 36, 36 रनों पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। गेंदों की बात की जाए, पांच गेंदे भी थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। हबीब 11 बटोरी जा चुके हैं पहली पांच गेंदों में। सफल होकर खेलना चाहते थे डीप में खिलाड़ी मलिक, जब तक गेंद को रोकेंगे हम देख सकते हैं एक सिंगल बटोरा जाएगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचे 37, देख सकते हैं चार ओवर यहां पर समाप्त होते हुए। पहली दो ओवर की बात की जाए, पहली दो ओवर में एक विकेट आया था और 13 रन खर्च किए थे। पिछली दो ओवर की बात की जाए, कोई विकेट नहीं आया, 24 आए। पहली ओवर में शाहिद ने एक विकेट छिटकाया था और 6 खर्च किए थे। दूसरी ओवर की बात करें, हबीब को इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने 7 खर्च किए थे, मगर हबीब जिन्होंने दूसरी ओवर में 13 खर्च किए थे और इस वक्त हबीब को इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने 11 खर्च किए। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद 9.25 के औसत से लगाए गए 37। आने वाली चार ओवर की कहानी बाकी होगी पहली इनिंग प्रगति पथ पर। तो चलिए इस वक्त हमारे स्पॉन्सर की तरफ, जिन्होंने बढ़िया सपोर्ट किया इस प्रतियोगिता में, शब्बीर मोमिन साहब, SHE स्टाइल एंड स्माइल, नूरानी कासम, सभा मेडिकल, बॉम्बे सारीज, सहमुद्दीन चिकलिया यूके, अबरार ताई, साजिद मेमन साहब, इम्तियाज कारा यूके, जावेद आलम, निसार छपरी यूके, एदना स्कारिन कुरियर, मेरा चिकन, अकील सरनवाला, एफ के ऑटो, फरहान खान साहब जिन्होंने टी शर्ट प्रोवाइड किया हर एक मैच के, मैन ऑफ द मैच के लिए, माजिर पीरा, दाऊद खोट, कालू चिकन, अशरफ पोटिया, 15 स्टोर, SR शाइन, जीरन स्टोर एंड पाकिजा एक सेंटर, अब्दुल कादिर नकोडा, रॉयल लुक सैलून, सरफराज माधव, प्लास्टर वाला, मोमिन चॉकलेट, शेफुद्दीन काकरिया यूके, मूसा भाई काकरिया यूके, जाकिर मोइन। मैन ऑफ द मैच हर एक मैच में दिया जाएगा, और ट्रॉफी जो हमारी कमेटी के माध्यम से दी जा रही है, और मैन ऑफ द मैच एवरी मैच टी शर्ट जो एफ के ऑटो के माध्यम से जा रही है फरहान खान साहब की तरफ से। और हम देख सकते हैं यंगेस्ट प्लेयर जो दिया जा रहा है, इमर्जिंग प्लेयर, वो भी हमारी कमेटी के माध्यम से, और बेहतरीन फील्डर का भी अवार्ड हमारी कमेटी के माध्यम से। ये हमारे स्पॉन्सर है, बहुत ही शुक्रिया। चलेंगे मैदान के अंदर, शौकीन शेख की पहली गेंद डाउन द ग्राउंड खेला गया, गेंदबाज के सर के ऊपर से मलिक आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक एक रन का इजाफा। मलिक की बात कीजिए, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, मोहम्मद कैफ की यादें ताजा करवाते, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, काफी तेजी से गेंद पर आते हैं, चरहरे बदन के हैं, फील्डिंग बढ़िया करते हैं। और इस वक्त सिंगल रन के साथ रुकना होगा बल्लेबाजों को। उड़ाया इस वक्त गेंद को डीप में समत, और समत नहीं करेंगे गलती, पाशा खान को इस वक्त मुआज को जाना होगा मैदान के बाहर। मुआज ने पारी बढ़िया खेली है, एक तरफ मैराथन पारी खेली है मुआज, खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिली उनके माध्यम से, 13 गेंदे और 23 बनाकर बैक टू डकआउट, दूसरा झटका लगता हुआ मुआज के रूप में। तो शौकीन को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, शौकीन ने पहली गेंद पर सिंगल खर्च किया, दूसरी गेंद पर बड़ा विकेट का, नया बल्लेबाज सुफियान नजर आएंगे। सुफियान चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे, हम देख सकते हैं निव्या की गेंदें यूज की जा रही हैं। इस गेंदों की बात की जाए तो 1986 में इस गेंद का ईजाद किया गया था, दो दोस्तों के नाम पर इस गेंद को ईजाद किया गया, तब से हम देख सकते टेनिस का विश्व क्रिकेट में इस गेंदों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो सभी के सर पर चढ़ के बोल रहा है, और हर एक गली से लेकर दिल्ली तक अभी तक टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है, बेहतरीन प्रतियोगिताएं देखने को मिल रही हैं। फुल टॉस बॉल जड में रखा था, ऑफ साइड में खेला गया, वहां पर हबीब है, गेंद को फील्ड करेंगे, थोड़ा सा फंबल हुए, दूसरे का मन बनाया, बादशाह खान का भी तीजी से आए, दो रस यहां पर गलती की गई हबीब द्वारा, जहां पर एक था वहां पर दो खर्च किए गए। स्कोर कार्ड की बात की, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 40 अंकों पर, दो विकेट आए हैं, तो पार्टनरशिप बढ़िया बनाई गई थी, 38 रन की पार्टनरशिप ब्रेक की गई शौकीन शेख द्वारा। फुल टॉस बॉल, डीप में खिलाड़ी मौजूद हबीब, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक एक रन बटोरा गया, एक रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात कीजिए 41 पर जा पहुंचा, दो गेंदे 3 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है। बादशाह खान एक तरफ अपने आप को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आए थे तीसरे नंबर पर सिंगल सिंगल से रन बना रहे, बेहतरीन खेल रहे हैं।
फुल टॉस बॉल, यहां पर मौका दिया, मिला मौका, इस वक्त आया जड़िया चौका। इस तरह की शॉट के लिए बादशाह खान ने, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड 45-45 अंकों पर जा पहुंचा है। गेंदों की बात की जाए, शौकीन की भी तक 5 गेंदें डाली हैं, एक विकेट जरूर छटकाया, मगर बादशाह ने इस वक्त अपने नाम की तरह बादशाह वाला शॉट खेला है। पीरवार रॉयल किंग्स के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल होगी, जिस तरह से रमजान पहली गेंद पर मैदान के बाहर आए थोड़े से निराश थे, मगर क्या पार्टनरशिप बनाई गई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, 38 रन की पार्टनरशिप लगाई गई थी मुआज और बादशाह के बीच में। फिर एक बार ऑफ साइड पर गेंद को खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद है मिस्टर समीर, जब तक गेंद की तरफ आएंगे गेंद को फील किया जाएगा, सिंगल रन के साथ संतुष्ट होना होगा। ओवर नंबर की बात की जब 5 ओवर यहां पर समाप्त होते हुए स्कोर पर लगे 46, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, तारीफ करनी होगी अब आशा और मुआज। मुआज ने गेंदे खेली 13-13 गेंदे 23 बनाकर मैदान के बाहर, जो दरकार थी वो दरकार उन्होंने पूरी की। और जिस हेलो, तो यहां पर देख सकते हैं बढ़िया तरह से इनिंग खेली जा रही थी, मगर शौकीन आए, शौकीन ने तुरंत उन्हें मैदान के बाहर भेजा। समद ने 2 बेहतरीन कैचेस लपके हैं अभी तक इस इनिंग्स में। आने वाली गेंदों की बात की जाए, 18 गेंदों का खेल बाकी होगा मैदान के अंदर, 18 गेंदों में कितने रन बटोरे जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज का तीसरा मैच हम देखेंगे जो खेला जाएगा इस मैच के बाद। एक तरफ गुगु इलेवन टीम नजर आएगी, तो एक तरफ जेएम टाइगर, जिलानी मोइन टाइगर, यह टीम नजर आएगी। गुगु इलेवन की बात की जाए, अभी तक इस लीग में 2 मैचेस खेली हैं और दोनों ही मैच में जीत दर्ज की है। तो गुगु इलेवन के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, प्लेइंग इलेवन की लिस्ट आपकी तैयार रखिए, आबिद सर यूजर कैप्टन, प्लेइंग इलेवन की लिस्ट आपको तैयार करनी है। और इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा, जेएम टाइगर कैप्टन शाहरुख, आपको प्लेइंग लिस्ट तैयार रखनी प्लीज, इनिंग में टॉस किया जाएगा। पहली गेंद लॉन्ग स्टॉप पर खेलना चाहते थे कप्तान करीम, यहां पर लपके गए, बादशाह खान को जाना होगा मैदान के बाहर। स्लो वन थी, शॉट बढ़िया खेलना चाह रहे थे मगर एलिवेशन नहीं था। मलिक की बात की जाए तो गेंदों के मालिक हैं ये, जब भी आते गेंदों को नचाते, अपने हिसाब से गेंदों को चलवाते। यहां पर थोड़ी स्लो रखी थी, देख सकते हमारे हाईलाइट्स में बेहतरीन कैमरा वर्क देखने को मिलता, बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिलता है डीपीएन के माध्यम से लाइव ब्रॉडकास्टिंग। और करीम की बात किया, बेहतरीन कैच लपका है, अपने आप को झोंक दिया मैदान के अंदर। कहते हैं ना, दुनिया का महंगा से महंगा परफ्यूम आपको वो खुशबू नहीं दे सकता जो मैदान के अंदर आप जब खेलते हो, जो मिट्टी आपके बदन पे लगती है ना वो खुशबू आपको प्रोवाइड करती है। हर एक खिलाड़ी जब मैदान के अंदर गिरता है वो खुशबू लेने की चाहत रखता है। तो करीम खान इस वक्त ग्रीन कार्पेट पर जब टाइम लगा है, बेहतरीन कैच लपका है। 30वां विकेट इस वक्त आता हुआ बादशाह खान मैदान के बाहर। तो शाबाज आते ही ऑफ के बाहर आए थे, सफल होकर खेलना चाहते थे। और मलिक की बात की जाए तो मलिक बेहतरीन गेंदबाज है, मैंने कहा छोरे बदन के मगर काफी एक्टिव है, खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं। कहते हैं ना, मौला ने सभी को हाथ दिए, हाथों में लकीरें दी, मगर हाथों के आगे आपको उंगलियां दी हैं। उंगलियों से आप मेहनत करते हो तो आप लकीरों को भर सकते हो, तब आप मेहनत करोगे। यहाँ पर उंगलियां घुमा रहे हैं, गेंदों पर गेंदों को नचाने का काम कर रहे हैं गेंदबाज मिस्टर मलिक। ओहो, बढ़िया गेंद, कुछ अलग कर रहे हैं मैदान के अंदर मलिक, एक्साइटेड हैं। और यहाँ पर अंपायर दर्शा रहे लीग 22 के रूप में एक रन आता हुआ। स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 47-47। फरहान जुड़ चुके हैं इस वक्त मैनुअल स्कोर के भूमिका में, शोएब खान हमारे साथ जुड़े थे इस वक्त इन एन एक्शन मैदान के अंदर आते हुए खेलते हुए क्रिकेट से, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। प्रियांशु और उनके भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु प्रियांशु साई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फुल टॉस बॉल, गेंद को खेला डीप में समीर, और समीर इस वक्त उड़ा ले गए। बल्लेबाज की बात की जाए, सुफियान का यान इस वक्त मैदान के अंदर डाउन होता हुआ, पीरवाल रॉयल्स के लिए 3rd विकेट आता हुआ सुफियान के रूप में, माफ कीजिएगा 4th विकेट आया है। पहला विकेट रमजान, दूसरे की बात की मुआज, 3rd बादशाह खान और 4th सुफियान। सुफियान ने गेंदे के लिए मात्र 3 गेंदे 3 बनाकर बैक टू डगआउट।
आपका नाम क्या? आवेश। क्या आवेश, पूरा नाम क्या? जेद। शेख। शेख सर चालू है। तो न्यू बैटर इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे मिस्टर शौकत आए, हल्के बल्ले से खेला गया, देख सकते डीपी खिलाड़ी काफी तेज जा रहे। मलिक खुद जाके गेंद पर, गेंद को रुका जाएगा क्या? पहला रन तेजी से पूरा किया गया, दूसरा यहां पर तेजी से पूरा करेंगे। नौ स्ट्राइक पर बैकअप नहीं आया था, इस स्ट्राइक पर थ्रो किया गया। स्कोर कार्ड की बात की जब 49-49, इस वक्त छठी ओवर चल रही है मैदान के अंदर। तो जो पिछली तीसरी और चौथी ओवर आई थी ना, वहां पर रन बटोरे जा चुके थे। तीसरी ओवर में 13 आए थे, चौथी ओवर में 11, पांचवी ओवर में 9 आए थे। इस ओवर में रनों को रोका जा चुका है मलिक द्वारा। फुल टॉस बॉल, दिशा दी है, दिशा से भटके पड़ेंगे फटके, गेंद जाएगी वन बाउट 4 रन के लिए। पीरवाल रॉयल किंग के सम्मान में आता है बल्लेबाज की बात की जाए, मिस्टर शौकत के बल्ले से बेहतरीन चौका। स्कोर कार्ड की बात करें 50 अप लग चुके हैं, 53 पर जा पहुंचा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद तो देखें कौन से गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस वक्त। तो शौकीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कप्तान करीम विकेट के पीछे नजर आएंगे। तो 6 ओवर इसको कहां पर लगे 53 माफ कीजिएगा। बेहतरीन शॉट डीप में है समत, बेहतरीन फील्डिंग समत द्वारा। समत क्या बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं अभी तक। जड़ में रखा था खुद को निकाला, वहां पर एक रन पूरा किया, दूसरा रन चाहते मगर रोका जा रहा है बल्लेबाज द्वारा पहले रन के साथ। स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर कार्ड जहां पहुंचे सकते अब तक 56 लगे स्कोर कार्ड पर 56। माफ कीजिएगा, तो दो सिंगल आए, पहले भी सिंगल लिया था, तो 55 लगे स्कोर कार्ड पर। फुल टॉस बॉल ऑफ साइड में खेला गया, वहां पर समीर है, समीर गेंद को फिरे, थोड़ा सा फंबल, मौका उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, यहाँ पर मौका बना है, मौका बना मगर अंपायर के पास नजरें उम्मीदें भरे हैं, मगर यहाँ पर क्या रनिंग बिटवीन विकेट, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डीआरएस लिया जा रहा है फील्डिंग करने वाली टीम। यस सर, तो यहाँ पर रनआउट के लिए डीआरएस लिया गया, देख सकते हम थर्ड अंपायर हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर सुमन नायक सर। तो यहाँ पर रनआउट के लिए डीआरएस लिया गया, देख सकते हैं डीबीएन के माध्यम से हम ये प्रतियोगिता देख रहे हैं, बेहतरीन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 3 का आज का तीसरा दिन, दूसरा मैच पीरवाल रॉयल किंग बनाम एआरके फाइटर। तो देखेंगे यहाँ पर स्कोर कार्ड पर लगे अभी तक 3 गेंदें हो चुकी हैं और डीआरएस लिया गया इस वक्त, देख सकते हैं दिल की धड़कनें जरूर तेज होगी इस वक्त पीरवाल रॉयल किंग के कैमरे में, जिस तरह से बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त देख सकते हैं। तो यहाँ पर आउट, रन आउट पर रूप में इस वक्त बल्लेबाज मैदान के बाहर, पॉपिंग थोड़ा सा दूर रह गए थे और जो रिव्यू लिया गया तो आपको रिव्यू रिटर्न दिया जाएगा, सक्सेस हो चुका है फील्डिंग करने वाली टीम का रिव्यू। तो यहाँ पर एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जो जा पहुंचा अब तक 56। तो न्यू बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाज की बात की जाए, अनस हमारे साथ 12th मैन के रूप में अवेश, और बात की जाए
अब्दुल्ला बंदूक क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं ए आर के फाइटर 11 की तरफ से। बढ़िया गेंद इस वक्त फॉलो किया था खूबसूरत गेंदबाजी शौकीन द्वारा। शौकीन ने जब पहली बॉल डाली थी 9 खर्च किए थे, एक विकेट जरूर छटकाया था, एक विकेट लिया था। इस वक्त तो पहली 4 गेंदें डाली है, 3 रन खर्च किए और रनआउट के रूप में एक विकेट चटकाया है। न्यू बैटर नौ स्ट्राइक पर नजर आए मिस्टर अनस, स्ट्राइक पर नजर आएंगे बल्लेबाज शाबाज। वो मिस टाइम है, देख सकते हैं वहां पर अर्शद गेंद की तरफ जा रहे हैं, गेंद को फील्ड किया गया, खिलाड़ी वहां पर नजर आ रहे हैं। कैफ तब तक सिंगल रन के साथ संतुष्ट होना होगा। ओवर की बात की जाए इस वक्त 7वीं ओवर प्रगति पथ पर है। स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड लगे इस वक्त 57 57, तो रनों को रोकने का काम किया है शौकीन ने। पहले 4 ओवर की बात की जाए 4 ओवर में रन आए थे 37, वहां से जब शौकीन को बुलाया गया उन्होंने 9 खर्च किए थे। गेंदबाजी बढ़िया की गई, गेंदबाज मलिक द्वारा रनों को रोका, 6 रन खर्च किए। कट करना चाहते थे गेंद थोड़ी सी उछाल लेकर कीपर के दस्तानों में। इस ओवर में रन आए बात की जाए मात्र 4 रन आए। ओवर नंबर की बात की जाए 7 ओवर समाप्त होते हुए स्कोर कार्ड पर लगे इस वक्त देख सकते हैं हम 57 57 लगे हैं। विकेट डाउन होते हुए इस वक्त टीम की बात की जाए, विकेट 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करी पीरवार और रॉयल किंग्स। तो शुरुआत थोड़ी सी खराब थी मगर बढ़िया 38 रन की जो पार्टनरशिप थी ना वो बढ़िया थी बादशाह खान और मुआज के बीच में। जैसे मुआज और बादशाह का विकेट आया थोड़े से रन रुके। न्यू बैटर मैदान के नजर आएंगे इस वक्त अनस और शाबाश। शाबाश की बात की जब इतने गेंदे खेली है 6 गेंदे 3 ओवर बात की जाए मिस्टर एक गेंद 0 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर अनस। आखिरी बोल लेकर आएंगे इस वक्त मलिक दूर वाली छोर से आखिरी 6 गेंदे। चलो इस वक्त जेएम टाइगर के कैप्टन और गूगो 11 के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आइए। इनिंग ब्रेक में आपका टॉस किया जाएगा, आपके प्लेइंग 11 आपको तैयार रखनी है। पहली गेंद सफल होकर खेला है शाबाश यहां पर चौका चढ़ते हुए। स्कोर कार्ड की बात की जाए 61 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। पहले मैच में देखा था हमने जो स्कोर कार्ड देखने को 57 लगाए गए थे, 58 रनों का लक्ष्य था, उस मैच को जीता था टीम की बात की जाए हाईफिट कोबरास ने मैच का पीछा करते मैच को जीता था। यहां पर 61 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। देखेंगे कल की बात की जाए टीम एआर के फाइटर 61 62 का पीछा करते थोड़ा सा पिछड़ती भी नजर आई थी टीम मदर लेजर के सामने, आज वही स्कोर कार्ड लगा। मगर 5 गेंदों का खेल अभी बाकी होगा। शाबाश की बात की जाए शाबाश बल्लेबाजी कर रहे, अभी तक गेंदे खेली जा चुकी है 6 गेंदे 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिंगल 3 गेंदे डॉट खेली जा चुकी है और मलिक पर यहां पर हल्ला बोला गया, रीड किया था गेंद को। शॉट बढ़िया वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, बैकअप नहीं है, बैकअप आया है शौकीन का, मगर तब तक 2 रन पूरा करेंगे। तीसरे का मन बनाया जाएगा कि यहां पर देख सकते रोका गया। 9 गेंदे और बात की जाए 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदे 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम स्कोरिंग में होती हुई मैनुअल स्कोर फरहान जुड़े हुए, फिर एक बार क्रिएशन किया गया, 8 गेंदे 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो शाबाश। स्कोर कार्ड की बात की जाए इस वक्त 63 63 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। इसी बाहर यहां पर भाप लिया था बल्लेबाज को, काफी दूर निकले थे ऑफ स्पिन के बाहर, विकेट के बाहर से खेलना चाहते थे मगर बात थोड़ी सी इंजरी हुई है, देख सकते थोड़ा सा घुटने में तकलीफ, जरा खिंचाव आया है शौकीन गेंद को लपकते हुए, देख सकते थोड़ी सी इंजरी हुई है क्या। तीन गेंद और 3 अभी तक खर्च कर चुके हैं। फर्स्ट बॉल लेके जाइए ऑल इंडिया प्लीज।
चल के मैदान के अंदर तीन गेंदे उसको कब लगे इस वक्त 63 बॉल थी इस वक्त यहाँ गेंद को छोड़ बैठे। शाबाश के पास मौका था बड़ा शॉट्स खेलने का मगर यहाँ पर सरप्राइजिंग फ्लाइटेड डिलीवरी। पहली गेंद पर चौका दूसरी गेंद पर डबल पिछली दो गेंदी डॉट 63 लगे उसको कार्ड पर। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर नजर आती थी स्टेप आउट हुआ गेंद को खेला डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं शोहेब साकिब गेंद को फील्ड किया जा रहा थ्रो किया गया तब तक दो रन पूरे किए गए 65 पर जा पहुंचा 65 अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा इस इनिंग का देख सकते हैं हम मलिक गेंदबाजी करते आए और उस वक्त शाबाश की बात की जाए एक मैराथन इनिंग खेल रहे 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गेंदों की बात की जाए गेंदें खेली जा चुकी हैं 11 गेंदें फिर से एक बार नो बॉल हम पाने दे शायद खिलाड़ी वहां पर अर्षद अर्षद गेंद में बीट कर जाएगी 4 रन के लिए 2+4 यहां पर मौका मिला है और यहां पर देख सकते हैं नो बॉल दिया गया अंपायर द्वारा 5 रन बढ़ जा चुकी है आखिरी चरण में गलती की जा रही है गलती की गई इस वक्त गेंदबाज द्वारा 5 के साथ आगे चलता है उसको कर जा पहुंचा इस वक्त 70 रनों पर फिर की गेंदों की सुख देख सकते हैं हम उड़ाया फिर से एक बार डीप में अर्षद है और यहां पर गलती ये जो दो चौके हैं काफी महंगे साबित होंगे 74 पर जा पहुंचा उसको कार्ड इस ओवर की बात की जाए इस ओवर में रन खर्च किए जा चुके हैं अभी तक सत्रह रन आए इस ओवर में 3 चौके 2 डबल 2 डॉट 1 नोवर के माध्यम से 74-75 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा गया इस मैच को जीतने के लिए। टॉस के लिए आना होगा जेम टाइगर कैप्टन और गुगु इलेवन के कैप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड टॉस के लिए आइए चलो टॉस के लिए आइए विनती करना चाहूंगा फिर से गुगु इलेवन और जेम टाइगर प्लीज टॉस के लिए आइए
हेलो चलो गुगुल कैप्टन टॉस के लिए आइए और फिर जेम टाइगर कप्तान टॉस के लिए कॉल किया गया आपको प्लीज फॉरवर्ड करिए शाबाश को यहाँ पर गेंदबाजी के बुलाया गया दो सामने बैटर शौकीन शेख शौकीन की बात करें अभी तक इंप्रेस नहीं किया है पहले दो मैचों में थोड़ा सा जल्दबाजी में मैदान के बाहर यहाँ पर शौकीन स्ट्राइक पर आज इन्होंने इनिंग खेलनी होगी 75 रनों का लक्ष्य रखा गया है 75 बनाने इस वक्त 8 ओवर्स में प्लीज टॉस के लिए आ चुके तो कैप्टन शाहरुख एक तरफ कप्तान नजर आएंगे पहली गेंद यहाँ पर खेला गया वहां पर खराब फील्डिंग आलमगीर द्वारा और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ बेहतरीन फील्डिंग वहां पर बादशाह खान ने क्या गेंद को रोका है अपने आप को झोंक दिया और गेंद को रोका दो रन अपने टीम के बचाए तालियां जरूर बजेंगी पीरवाल और गेंद की खेमे की तरफ से मिस्टर बादशाह के लिए दो रन के साथ खाता खुलता हुआ तो ओवर के बाद टॉस किया जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है तो पहली गेंद पर दो बटे जा चुके शौकीन की शुरुआत बढ़िया है अलम की थोड़ा सा वहां पर खराब फील्डिंग में बैकअप बढ़िया कहते हैं खिलाड़ी जब जब बैकअप करेगा टीम कम बैक करेगी तो बैकअप बढ़िया था बादशाह खान इंप्रेस किया बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया शाबाश फिर से एक बार गेंद तैयार हल्के बल्ले से खेला वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे डायरेक्ट हिट करना चाहते थे बैकअप है वहां पर आलम की फिर एक बार गलती मगर खिलाड़ी नजर आए बढ़िया फील्डिंग की शौकत दो गेंदे तीन लगी स्कोर कार्ड पर दो गेंदे तीन 75 रनों का लक्ष्य रखा गया है यहां से 46 गेंदे 72 बनाने फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की जाएगी करीम इस वक्त स्ट्राइक पर डीप लॉन्गन पर खिलाड़ी को तैनात किया गया डीप लॉन्गन के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी सर बादशाह को दायरे के अंदर बुलाया गया शॉर्ट लॉन्गों पर खिलाड़ी है शॉर्ट मिड ऑफ पर खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट थर्ड मैन और देख सकते हैं हम शॉर्ट बैकवर्ड को लेकर खिलाड़ी को रखा गया है शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैयार किया शॉर्ट मिड ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी इस तरह की फील्डिंग से जाई गई उड़ाया इस वक्त गेंद हवा में एक गेंद कीजिए बादशाह और बादशाह खान नहीं करेंगे गलती करीम को जाना होगा गोल होने का शिकार शून्य का चश्मा पहनकर कप्तान मैदान के बाहर यहां पर बेहतरीन क्या मतलब का बादशाह खान वहां पर नजर आए बादशाह ने इंप्रेस किया है बादशाह जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे इस वक्त फील्डिंग में अपने अपने इंप्रेस कर रहे हैं और टीम को बढ़िया सपोर्ट किया जा रहा है उनके माध्यम से पहली गेंद पर दो रन बचाए थे तीसरी गेंद पर बड़ा विकेट चटकाया करीम को भेजा है मैदान के बाहर शौकीन मैदान के अंदर दो गेंदे खेली तीन पर बल्लेबाजी कर इनिंग की बात की जाए अभी तक पहली ओवर चल रही मैदान के अंदर तीन गेंदे तीन टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्लीज टॉस किया जाएगा विकेट आ चुका है अभी सर प्लीज आइए टॉस के लिए तो हबीब ने बैटर तीसरे क्रमांक पर एक हरप्रमोला खिलाड़ी है गेंदबाजी के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की थी मगर बल्लेबाजी का मौका दिया है तो बात की जाए ना जब आशाएं होती हूँ आशाएं को यहाँ पर धराशाय किया गया दो बैटर हैं बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते शौकीन और करीम इन पर नजर होती मगर थोड़े से विफल नजर आ रही है इस वक्त एआर के फाइटर की टीम पहले तीन गेंद बड़ा विकेट गंवाया हल्के बल्ले से यहाँ पर खेला फॉलो थ्रो गेंद को रखा शाबाश की तारीफ करनी होगी बल्लेबाजी करने आए थे बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया गया कप्तान द्वारा और क्या इंप्रेस किया है विकेट के पीछे रमजान नजर आ रहे हैं चार गेंद अभी तक तीन खर्च कर चुकी है पहली गेंद डबल दूसरी गेंद पर सिंगल तीसरी गेंद पर विकेट और चौथी गेंद डॉट डाली जा चुकी है क्रॉस बैट खिलाड़ी पे खिलाड़ी मौजूद मौका बना मौके को यहां पर बनाया गया खिलाड़ी वहां पर नजर आए थे अनस बेहतरीन कैच इस वक्त सिल्वर का शिकार हबीब को भी जाना होगा मैदान के बाहर क्या यहां पर खेल देखने को मिलता हुआ जिस तरह से बात की जाए फील्डिंग की जा रही है कैचेस लपके जा रहे हैं पूरी तरह बैकफुट नजर आ रही पहली ओवर चल रही है दो मुख्य बल्लेबाज मैदान के बाहर यह पलटवार इस वक्त पीरवाला रॉयल किंग की तरफ से आता हुआ
विकेट नंबर टू डाउन होता हुआ मात्र तीन लगे स्कोर कार्ड पर। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की पहली ओवर प्रगति पथ पर। समत को बुलाया गया मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। तो समत को इस वक्त बल्लेबाजी कर बुलाया गया, देख सकते हैं किस तरह से गेंदबाजी की जा रही है। शाबाश ने इंप्रेस किया है, लगातार विकेट चटकाने में खब्बू, विकेट टेकर गेंदबाज है। विकेट जब भी चाहिए अपने आप को इंप्रेस करते हो, टीम की जरूरत के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, लगातार विकेट चटकाने में कामयाब होते। फुल टॉस बॉल है एक यहां पर गैप में खेला गया, ताहिर वहां पर गलती करते हुए गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ, सुफियान जा रहे हैं गेंद को रोकने की कोशिश की जाएगी और वहां पर गेंद को रोका गया। दो पूरे किए गए, थोड़े से इंजर है शौकीन के पैर में, थोड़ी तकलीफ आ रही है। दो रन पूरे किए गए, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। एक ओवर की समाप्ति के बाद पांच लगे हैं और दो विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम की बात की जाए, टीम नजर आएगी एआर के फाइटर 11। तो चलो टॉस किया जाएगा, टॉस किया जाएगा, बात की जाए इस वक्त। तो रन के ऑनर स्प्रे लेके जाए प्लीज मैदान के अंदर बल्लेबाज दिमाग। टॉस किया जा रहा है इस वक्त जाकिर पीरवाल साहब के मुबारक दस्तों से, और टॉस यहां पर विन होती हुई टीम की बात की जाए। जेएम टाइगर कप्तान शाहरुख चिली ने टॉस जीता है। शाहरुख सर एक ओवर के आपको डिसीजन बताना है। ओके, ये ओवर के अंदर आपको प्लेइंग 11 की लिस्ट आपकी दोनों टीमों की चेंजेस। ओके, तो आपकी जो प्लेइंग लिस्ट सेम रहेगी और इस वक्त गूगल 11 उनके लिए समय तक पहुंचे। एक ओवर के अंदर आपको डिसीजन बताना है। तीसरा मैच देखेंगे हम गूगल 11 बनाम पीरवाल रॉयल किंग्स, माफ कीजिएगा जेएम टाइगर बनाम गूगल 11, ये मैच देखने को मिलेगा। गूगल 11 की बात की जाए इस वक्त कप्तान चेंज मोहतसिम कुरैशी अपने आप को रोका और अभी सर को यहाँ पर टॉस के लिए भेजा था, टॉस गवाया है। देखा जाए क्या डिसीजन आएगा। दो मैच जीत चुकी है इस वक्त गूगल 11। हम देख सकते हैं गूगल 11 प्रिंसेस है, उनके नाम पर टीम खेलती हुई नजर आएगी मैदान के अंदर। आलमगीर को बुलाया गया इस वक्त अपने कोटे की पहली बोले कर, क्या इंप्रेसिव गेंदबाजी की शाबाज ने। शाबाज यहाँ पर बास की तरह काम कर रहे, बास जब आसमान में उड़ता है ना अपनी नजरों को जमीन पर रखता है और काफी दूर से अपने शिकार को देखता है और शिकार लपक लगता है। शाबाज उसी से काम कर रहे हैं, शिकार चटकाने में काफी मजबूत है और दो शिकार अभी तक किए हैं अपनी पहली ओवर में। उड़ाया शौकीन, यहां पर गेंद के नीचे खिलाड़ी है और शौकीन को जाना होगा मैदान के बाहर। बड़ी मछली जाल में फंसती है। आलमगीर इस वक्त काफी एक्साइटेड, वहां पर क्या किया गया, खिलाड़ी नजर आए थे शौकत। तीसरा झटका यहां पर करारा झटका दिया गया टीम की बात की जाए एआर के फाइटर 11 को पीरवाल रॉयल किंग की तरफ से। लगातार विकेट आ रहे हैं, लगातार बैकफुट पर टीम को नकेला जा रहा है। 75 रनों का लक्ष्य था, यहां पर पांच लगे हैं, तीन मुख्य बल्लेबाज मैदान के बाहर। समीर आएंगे मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए, पांचवें नंबर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं समीर। और नौ स्ट्राइक पर बल्लेबाज की बात की जाए समद और समीर, समद ने एक गेंद खेली दो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। समीर इस वक्त मैदान के अंदर, यहां से जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई गई थी मुआज और बादशाह खान के बीच में पहली इनिंग में, वो पार्टनरशिप की दरकार होगी। इस वक्त बात की जाए काफी बॉडी लैंग्वेज चेंज नजर आती पीरवाल रॉयल किंग की तरफ से। जो पिछली ओवर में रन आए थे मलिक के काफी महंगे साबित थे, 17 खर्च किए थे, वहां से बड़ा लक्ष्य की तरफ अग्रेसर हुए थे। बढ़िया गेंद इस वक्त टप्पा के बाद गेंद को काटा बदला था विकेट कीपर की बात के रमजान बहते थे से गेंद को गैदर कर रहे हैं। रमजान की बात की जाए तो बल्लेबाजी में करने आए थे पहली गेंद पर, शून्य का चश्मा पहनकर मैदान बाहर नजर आए, मगर फील्डिंग का मौका मिला तो गेंदबाजों ने इंप्रेस किया। शाबाश ने दो विकेट चटकाए और पहली गेंद पर आलमगीर ने विकेट चटकाया शौकीन शेख का। शौकीन थोड़े से निराश है, अभी तक तीन मैचेस खेले अपने आप को साबित नहीं कर पाए, जिस तरह की उनके पास काबिलियत थी उस काबिलियत को थोड़ा सा दूर रखा गया, मगर मौका है। इस वक्त एआर के फाइटर 11 को तीसरा मैच खेल रही है अपने इस लीग का, मगर हर एक टीम को सात मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। हाईफील्ड कोबरा से चार मैचेस खेले, दो मैचेस गवाए, दो मैचेस में जीत हासिल हुई है।
आलमगीर गेंद बैट का बाहरी किनारा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, क्या फील्डिंग है, खूबसूरत फील्डिंग, वहां पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मिस्टर यहाँ पर कप्तान नवाज रन आते, बेहतरीन फील्डिंग किया गया, एक रन का इजाफा स्कोर कार्ड की बात की अब्दुली स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त अच्छे अंकों पर। दूसरी ओर प्रगति पथ पर इस वक्त पावर प्ले की बढ़िया मैच चलता हुआ यहाँ पर दबाव बना गया इस वक्त देख सकते हैं आलमगीर फील्डिंग थोड़ी सी खराब की, दिमाग गेंदबाजी में इंप्रेस कर रहे अपने आप को। बेहतरीन गेंद यहाँ पर समद को बीट किया गया, विकेट कीपर नजर आ रहे इस वक्त सुफियान रमजान, अपने आप को यहाँ पर शॉर्ट कवर पर तैनात किया गया और विकेट कीपर में इस वक्त देखा जाए सुफियान को बुलाया गया। सुफियान की बात की जाए, सुफियान बढ़िया बल्लेबाज, मगर उन्होंने थोड़ा सा निराश किया इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। अगर फील्डिंग की बात की जाए, पाशा खान इंप्रेस किया, अभी तक एक कैच लपका है। यहाँ पर गेंद को उड़ाया, शॉर्ट लॉन्गर पर ताहिर नजर आ रहे हैं, ताहिर बढ़िया कैच, ताहिर ने भी लपका है और समद को भी जाना होगा मैदान के बाहर। आलमगीर काफी एक्साइटेड है, समद तीन गेंदे दो बनाकर बैक टू डगआउट, चौथा छक्का लगता हुआ एआर के फाइटर 11 टीम को। तो देख सकते चार विकेट अभी तक दूसरी ओर प्रगति पथ पर है, चार छटके दिए जा चुके गेंदबाजों में, पहले ओवर दो विकेट छटका दिया शाबाश ने इस वक्त आलमगीर ने, दो विकेट छटका, गेंद की बात करें गेंद इस वक्त पांच मात्र रन खर्च किए इस ओवर में, एक रन खर्च किया गया, न्यू बैटर मैदान के नजर आएंगे इस वक्त। कैप नजर आएंगे शाहरुख चिली कप्तान जेम टाइगर, अपना फैसला सुनाइए आखिरी गेंद इस ओवर की प्लीज। जेम टाइगर कैप्टन शाहरुख, फील्डिंग फील्डिंग ली गई है इस वक्त। गोगी इलेवन के कैप्टन अभित सर, आपके बल्लेबाजों को तैयार रखना है, बल्लेबाजी का न्योता दिया गया आपको इस के बाद होने मैच के लिए, इस वक्त कैफ आएंगे बल्लेबाजी के लिए। आखिरी गेंद आलमगीर गेंदबाजी के लिए तैयार, हल्के यहां पर पुश किया गया, रनर का कोई मन नहीं बनाया, दो बैटर मैदान के अंदर, क्या ओवर डाली है, एक रन की ओवर, दो विकेट छटका है, ओवर नंबर की बात की, दो ओवर समाप्त होते हुए मात्र छह लगे हैं स्कोर कार्ड पर, चार विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती टीम, आने वाली छह ओवर का खेल बाकी होगा, यहां से बनाने इस मैच को जीतने के लिए 69 रनों का लक्ष्य होगा, 75 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां पर टॉप ऑर्डर को पूरा कॉलैप्स किया गया गेंदबाजों ने, चार विकेट गवाए हैं करीम और शौकीन हबीब और समद मैदान के बाहर। समीर की बात की जाए, समीर ने दो गेंदें खेली, एक पर बल्लेबाजी करे, कैफ की बात की जाए पहली गेंद खेली और अपना खाता नहीं खोल पाए, आने वाली 36 गेंदें बनाने 69 इस मैच को जीतने के लिए 11.50 के औसत रन बनाने के। देखा जाए ताहिर को बुलाया गया, ताहिर को रोका गया बादशाह खान कप्तान द्वारा, फिर एक बार शाबाश को ट्वीट किया जाएगा, अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आएंगे और टीम की तरफ से तीसरी ओवर, इंप्रेसिव गेंदबाजी की जा रही है। बल्लेबाजों में हमने पार्टनरशिप बनते हुए जरूर देखी, मगर यहाँ पर गेंदबाजों की पार्टनरशिप बढ़िया है, 12 गेंदों में 4 विकेट चटका चुके हैं और 6 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। शाबाश कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक पर समीर, समीर ने गेंद को ऑन साइड पर खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद, बादशाह गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक सिंगल के साथ यहां पर रुकना होगा, इसको काट जा बच्चे 7 अंकों पर, कैफ स्ट्राइक पर नजर आएंगे, 7 लगे इसको कहा पास 68 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए, 35 गेंदे 68 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। फील्डिंग की बात की जाए, इस वक्त दायरा खुल चुका है, डीप ऑफ ऑफ पर तो खिलाड़ी है 30 सर्कल के बाहर, काफी बाहर, हम बाकी दोनों हाथ को तो वाइट बॉल का इशारा था, एक्स्ट्रा गेंद इस वक्त डाली जाएगी, इसको कार की बात की जाए, इसको कार जा पहुंचा इस वक्त 8 अंकों पर,
तो जरूर आदरणीय सम्मान्य जनाब लालू भाई पटेल, इनका आगमन तो हमारे बीच इस प्रदेश की बात की जाए। एमपी है जरूर उनका वेलकम दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। तो व्हाइट बॉल यहाँ पर बैक टू बैक दो बार डाली जा चुकी है, स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचे इस वक्त तो दो गेंदे व्हाइट डाली जा चुकी है, हमारे मेहमान हमारे बीच पहुंच चुके मुख्य अतिथि। फिर से एक बार यहाँ पर ऑफ्ट के बाहर रखा था, इस वक्त गेंद थोड़ी सी अंदर लेकर आए हैं और डॉट बॉल पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी दो गेंदे व्हाइट, इस वक्त डॉट बॉल आती हुई। फिर से एक बार गेंद को लिफ्ट किया गया, लगातार वाइड यॉर्कर की जा रही है। जैसे हमारे बीच हम देख सकते हैं दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग कमेटी के माध्यम से आदरणीय सम्माननीय लालू भाई पटेल का हम स्वागत करेंगे। दमन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एमपी, इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत होगा हमारे मुख्य मंच पर। अपना कीमती वक्त निकाल के पहुंचे सर, वेलकम। आपकी जानकारी के ये मैच चल रहा है आज का दूसरा, यहाँ पर काफी बाहर व्हाइट बॉल, तीसरी गेंद व्हाइट आई है, शाबाश, लगातार व्हाइट गेंदबाजी कर रहे हैं और देख सकते हैं डॉट गेंदे डाली जा चुकी है, लगातार तीन खराब गेंदे, रनों की बात करें रन सुख जा पहुंचा नौ अंकों पर, पहली दो ओवर में छह थे दस लगे डबल फिगर में स्कोर कार्ड कन्वर्ट होता हुआ उड़ाया इस वक्त गेंद को, इस वक्त टावरी सिक्सर आता हुआ कैफ के बल्ले से बेहतरीन छक्का, इस वक्त लालू भाई पटेल के सम्मान में यह बेहतरीन छक्का लगाया गया, बल्लेबाज की बात की जाए कैफ के बल्ले से। तो सर कैमरामैन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस वक्त हमारे मुख्य मंच पर हमारे मेहमान भारतीय जनता पार्टी मिस्टर लालू भाई पटेल एमपी, इनका आगमन होता है। चलेंगे हम सरोवर बाबा की तरफ और यहां पर हमारे एमपी साहेब का स्वागत करेंगे, जाकिर पीर वाला वेलकम सर, आप यहां पर आए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालकर। और मैंने बता दूं आपको कि यहाँ पे जो क्रिकेट में हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं, हैट्रिक विकेट लेते हैं, ये सबने देखा होगा, लेकिन ये पहले एमपी है दमन के जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। हमारे हैट्रिक लगाने वाले एमपी, जोरदार तालियां। यहाँ पर मिस टाइम गेंद कीजिए सुफियान, बल्लेबाज की बात कीजिए समीर, हवा का झोंका यहां पर मैदान के बाहर, समीर मैदान के बाहर, पांचवा झटका, आधी टीम बैक टू डगआउट ही आर के फाइनल की। रनों की बात की जाए तीन ओवर के समाप्ति के बाद 17 लगे हैं, तो यहाँ पर कैफ है, कैफ ने एक छक्का जरूर जड़ा है, कैफ पे बहुत क्षमता है, एक बड़ा ओवर देखने को मिला। इस ओवर में 11 खर्च कर चुके हैं, बस की बात जब लगातार व्हाइट गेंद डाली जा चुकी थी मगर विकेट चुटकाने में कामयाब हुए। आखिरी गेंद पर न्यू बैटर अर्शद मैदान के अंदर, आने वाली पांच ओवर का खेल बाकी होगा, यहां से बनाने इस मैच को जीतने के लिए 58 रनों का लक्ष्य होगा, 58 की दरकार होगी 30 गेंदों में, मैच बन सकता है। बात की जाए ना तो आपको बनाने यहां से 58 आने वाले पांच ओवर में आपको विकेट रोक के रखने होंगे, कैच के बाद वो क्षमता उन्होंने छक्का लगाकर जरूर बताया मगर अर्शद को साथ निभाना होगा, आपको सिंगल डबल बनाने होंगे, छक्के चौके देने होंगे मगर पार्टनरशिप की दरकार होगी। अगर आप पार्टनरशिप लगाते हैं, साझेदारी करते हैं तो मैच बन सकता है। आपके पास 30 गेंदे हैं, 30 गेंदों में 58 बनाने हैं, कहते हैं ना लक्ष्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप लगातार उसका पीछा करते हो तो आप रनों के आगे पहुंच सकते हो, लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हो, मगर आपको संयम और आपका धैर्य मैदान के अंदर बांध के रखना होता है। कहते हैं आपके पास संयम हो तो आटा छानने छाननी में आप पानी ले जा सकते हो मगर आपको धैर्य बनाकर रखना होगा उससे बर्फ होने तक, अगर वो पानी बर्फ बन जाएगा तो आप उसे ले जा सकते हो। तो यहां से आपको पार्टनरशिप बनानी होगी, आपके संयम को बांध के रखना होगा और गलतियां नहीं करनी होंगी, अच्छे गेंदों का सम्मान और खराब गेंदों का अपमान करना होगा, विकेट को रोक कर रखना होगा। यहां पर देख सकते हैं गेंद को खेलना चाहते थे विकेट कीपर सुफियान, गेंद को फील्ड किया जाएगा, डॉट बॉल, गेंदबाज की बात की जाए इस वक्त सैफ अली को इंट्रोड्यूस किया गया है,
पहली गेंद डॉट डाली जा चुकी है। इनिंग की बात की जाए 19 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 17 लगे हैं, आने वाले 29 गेंदे बनाने हैं 58। छोटी गेंद पुल पावरफुल सक्सेसफुल, ये आता हुआ एआर के फाइटर के डगआउट पर तरफ बेहतरीन छक्का। तो कैफ के पास वो क्षमता है वह दर्शा रहे, अभी तक दो बड़े हिट्स खेले जा चुके हैं। स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 23 पर जा पहुंचा, समीकरण बदल रहा है इस वक्त, बनाने 52 इस मैच को जीतने के लिए, 52 की दरकार, 28 गेंदे 52। अगर कैफ मैदान के अंदर रहेंगे तो मैच बन सकता है, वो दर्शा रहे अभी तक हमारे डगआउट की तरफ हाथ दिखाया, दो छक्के लगा चुके, दो बड़े सिक्स लगा चुके, 5 गेंदे 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर कैफ। 49 नंबर की जर्सी मैदान के अंदर नजर आते हुए एक बार उड़ाया गेंद, नंबर किनारे मौजूद, बैक टू बैक आता हुआ, प्रयास किया गया था, खिलाड़ी वहां पर नजर आए थे, रमजान वहां पर नजर आए थे, देख इंजरी हुई के काफी तेज स्लिप हुए, मैदान के बाहर थी गेंद, बैक टू बैक दूसरा छक्का कैफ के बल्ले से आता हुआ, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 29। तो यहां पर रमजान आएंगे फिर एक बार मैदान के अंदर, कैफ की तारीफ करनी होगी, पहली गेंद डॉट खेली थी, बैक टू बैक दो छक्के लगा चुकी, बात की जाए रन पर बल्लेबाजी कर रहे मिस्टर कैफ, 8 गेंदे 19 पर बल्लेबाजी करते हुए, तो चले गए सख्त मैदान के अंदर। ओहो व्हाट अ शॉट, वहां पर वाशाकन, ये बल्लेबाज पैदा रखे, ये शॉट खड़े के 3 लगातार छक्के इस वक्त लगा के बल्लेबाज की बात की जाए मिस्टर कैफ के बल्ले से, स्कोर कार्ड की बात की 35-35 पर जा पहुंचा है, क्या बल्लेबाजी है, 3 गेंदे 3 छक्के, दूसरे बल्लेबाज यहां पर बनते हुए इस प्रतियोगिता में सूफियान नजर आए थे, तीनों ने 3 गेंदे में 3 छक्के लगाए थे पहले दिन पर, कैफ नजर आ रहे हैं आज 3 गेंदे 3 छक्के बढ़ चुके हैं, नौ गेंदे 25 यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कैफ का बल्ला इस वक्त बेहतरीन बोल रहा है। तो यहां पर गेंदों की बात की जाए 4 गेंदे डाली जा चुकी, पहले की डॉट आई थी मगर बेहतरीन बल्लेबाजी, फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने के चाहती, वहां पर खिलाड़ी मौजूद देखते हैं, काफी तेजी से आए रन, पहला पूरा एक रन के साथ संतुष्ट ना होगा, तभी तक पहली 5 गेंद 19 बटोर जा चुके, 36 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड, तो बल्लेबाजों के लिए यहां पर एआर के फाइटर के ओनर सलाम भाई की तरफ से हर छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम आएगा। तो देख सकते 5 गेंदे अभी तक 19 खर्च कर चुके हैं गेंदबाज सैफ अली, थोड़े से महंगे साबित हुए, स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जा पहुंचा 36 यहां से बनाने इस मैच को जीतने के लिए, बात की जाए 25 गेंदे 39 की दरकार होगी इस मैच को जीतने के लिए, आखिरी गेंद स्ट्राइक पर अर्शद नजर आएंगे, जड़ में रखा था वहां पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा, देख सकते हैं कप्तान काफी तेजी गेंद पर जा रहा, गेंद को रोका जाएगा क्या, पहला तेजी से दूसरे का रन बनाया, दूसरा भी तेजी से पूरा करेंगे, और स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त, देख सकते हैं स्कोर कार्ड पर 38-38 यहां से बनाने इस मैच को 37 की दरकार, आने वाली गेंदों की बात की जाए 24 गेंदे और 37 मैच बन चुका है, मैंने कहा ना आपको यहां पर पार्टनरशिप बनाने की, इस पहली 6 गेंदों में बात की 21 बटोरे जा चुके हैं, मैच का समीकरण बदला है, यहां पर ड्रिंक ब्रेक किया गया है, थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा, तो उसके बाद जो मैच होगा हम देखेंगे, एक तरफ गुगू 11 तो एक तरफ जेएम टाइगर के कप्तान शाहरुख चिली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, और गुगू 11 टीम को यहां पर बुलाया गया है, बल्लेबाजी का न्योता दिया गया है, बैटल बढ़िया होगा, आशाएं जरूर उजागर रखी है, खिलाड़ी की बात की जाए कैफ बढ़िया बल्लेबाजी करते, 4 छक्के बटोरे जा चुके उनके बल्ले से, और बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे इस वक्त 10 गेंदे 26 260 रनों का स्ट्राइक रेट देखने को मिलता हुआ, तो जरूर देख सकते हैं इस वक्त
जिस तरह से हमारे डीपीएन पैकन विल देख सकते हैं, जिस तरह से गेंदे घोड़ा आ गया ऑन साइड पर, लगातार छक्के बटोरे हैं, खूबसूरत काम इस वक्त डीपीएन के माध्यम से। पहली ऐसी ब्रॉडकास्टिंग लाइव होगी जो वैगन व्हील लेकर आई टेनिस क्रिकेट में, एक बेहतरीन खूबसूरत लाइव ब्रॉडकास्टिंग काम करते हुए हमारे साथ देख सकते हैं हमारे ट्वेल्थ मैन जुड़े हेयर का आवेश जुड़े हुए इस वक्त पीरवाल रॉयल किंग की तरफ से, और अब्दुल्ला बंदूक हमारे साथ जुड़े हुए ए आर के फाइटर 11 टीम के 12, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में। कहते हो ट्वेल्थ मैन के पास वो क्षमता होती क्रिकेट खेलने का, मगर ट्वेल्थ मैन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर एक खिलाड़ियों के नाम हर एक रनों पर नजर रखने की काम, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त कॉमेंट्री बॉक्स है, उनका भी हम दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 3 में तहदिल से इस्तेमाल करना चाहेंगे। ताहिर खान इस वक्त गेंदबाजी के लिए अपने कोटि की पहली बॉल लेकर आ रहे हैं, टीम की तरफ से पांचवी। इस वक्त डाउन द ग्राउंड खेला डीप में खिलाड़ी मौजूद है कि बादशाह कप्तान जब तक गेम को फील्ड करेंगे, एक रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 39 पर जा पहुंचा 36 की दरकार आने वाली तेज गेंद, मैच बन चुका है, मैच इस वक्त बन चुका है एआर के फाइटर के लिए। देख सकते हैं हम सभी की निगाहें थी करीम और शौकीन पर, मगर यहां पर कैफ क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, जड़ में रखा गेंद को उड़ाया डीप में खिलाड़ी मौजूद बादशाह खान, बादशाह यहां पर गलती में गलती मौका दिया यहां पर रनआउट का भी मौका है, मगर देख सकते हैं दो रन पूरी किए गए बादशाह ने की ये गलती कितनी महंगी साबित हो सकती है। अर्षद स्लो बल्लेबाजी कर एक साथ देना होगा अर्षद को, कैच नॉन स्ट्राइक पर है मगर विकेट आपको चटकाने दे, पार्टनरशिप लग चुकी है इस वक्त, पार्टनरशिप बन चुकी दोनों बल्लेबाजों के बीच। अर्षद को दिया मौका यहां पर गेंद को उड़ाया डीप में खिलाड़ी मौजूद सैफ अली नहीं करेंगे गलती, और सैफ एंड में यहां पर गेंद पकड़ा है सैफ ने और बैक टू बैक डगआउट जाना होगा, छठा विकेट अर्षद बैक टू डगआउट, कैप तो से निराश है, मौका आपको दिया गया था मौके का फायदा नहीं उठा पाए और छठा विकेट डाउन होता हुआ। स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड पर लगे इस वक्त 41 लगे यहां से 34 की दरकार है, गेंदों की बात की जाए गेंदे आने बाकी होगी 21 गेंदे 34 की दरकार। न्यू बैटर मलिक की बात की जाए तो जो आखिरी ओवर डाला था काफी महंगा साबित हुआ था, 17 खर्च किए थे मलिक ने, वो आपको बनाने यहां से पार्टनरशिप लगानी होगी, जो पार्टनरशिप ब्रेक की बात की जाए अभी तक यहाँ पर देख सकते काफी क्लोज कॉल था, काफी क्लोज कॉल, ऐसा लगा कि हल्का सिरा लगा था वहां पर रमजान गेंद को लपकते हुए नजर आ, मगर गेंदबाज ताहिर की तारीफ करनी होगी, पहली गेंद जब डाली थी सिंगल बटोरा था मिस्टर कैच पे, दूसरी गेंद पर मौका बना था बादशाह ने कैच को छोड़ा था मगर सैफ अली तीसरी गेंद पर लपका अर्षद को भेजा मैदान के बाहर, और चौथी गेंद डॉट आती भी बढ़िया शॉट अपर कट बेहतरीन शॉट खेला गया डीप में खिलाड़ी मौजूद है गेंद होगी मैदान के बाहर 4 रन के लिए, मलिक के बल्ले से आता बेहतरीन चौका। स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली स्कोर कार्ड जा पहुंचे इस वक्त 45 अंकों पर, यहां से बनाने आने वाली गेंदों की बात की जाए तो 19 गेंदे और बनाने इस मैच को जीतने के लिए 30 रनों की दरकार, मैच बन चुका। कैफ एक तरफ नजर आ रहा है बढ़िया बैटिंग करते हुए, अभी तक 4 छक्के उनके बल्ले से आए हैं, 4 बड़े हेड इस वक्त देखा जाए, एक चौका लगा मलिक, 2 गेंदे 4 बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज की बात की जाए इस वक्त ताहिर खान कमेंट्री बॉक्स एंड से, यहां पर सफल होकर खेलना चाहते थे, डॉट बॉल आई है। ओवर नंबर की बात की जाए 5 ओवर समाप्त होते हुए 9 के औसत से लगाए गए 45, आने वाले गेंदों की बात की जाए 18 गेंदे 10 के औसत से बनाने इस मैच को जीतने के लिए 30 रन की दरकार, एक बढ़िया प्रतियोगिता हम देख रहे हैं सीजन 3 में दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 3। आज का तीसरा दिन दूसरा मैच पीर वाला रॉयल किंग्स बनाम एआर के फाइटर 11, तो क्या इस मैच का रिजल्ट होगा। कैफ इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे, मलिक 3 गेंदे और 4 बल्लेबाजी कर रहे हैं, कैफ की बात कीजिए कैफ ने 11 गेंदे खेली हैं और 27 बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यार के फटर के ऑनर सलाम भाई की तरफ से हर एक छक्के पर 1000 रुपए के नाम का बल्लेबाजों के लिए,
तो ये मैच चल रहा है एयर के फटर 11 बनाम पीर बार रॉयल किंग्स। 18 गेंदे और 30 की दरकार। गेंदबाज की बात की जा सकता आलमगीर को बुलाया गया जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, दो विकेट चटकाए थे, एक रन खर्च किया था। वही गेंदबाज आएंगे इस वक्त दूर वाली छोर से स्ट्राइक पर, कैफ नजर आते थे। बढ़िया शॉट यहां पर खेला गया, डीप लॉन्ग का खिलाड़ी मौजूद है, मगर गेंद ट्रैवल होती हुई डीप लॉन्ग लेग थी। गलती की जा चुकी है, खिलाड़ी नजर आएंगे वहां पर अनस और गेंद बाउंड्री के बाहर, मिली गई चार। जब जब यहां पर रन आएंगे तालियां बज रही है इस वक्त यार के फाइटर 11 के खेमे से। यहां पर दरकार है, पहली मैच बात कर जीती थी, कल वाली मैच उन्होंने गवाया था, इस मैच को जीतना लाजमी होगा। देख सकते हैं अभी तक दो मैचेस खेले एआर के फाइटर ने, एक मैच गवाई एक मैच जीत की तरफ है और ये तीसरा मैच कर रही है इस लीग का। बढ़िया शॉट यहां पर खेला, चढ़ में था, डीप में है बादशाह। जब तक इनको फील्ड करेंगे सिंगल रन के साथ संतुष्ट होना होगा। अभी तक बात की जब 13 गेंदे खेली जा चुकी है बल्लेबाज की, बात की जब के 432 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका चार चौके की मदद से 50 रन पूरे होते हुए इस वक्त टीम की बात की एआर के फाइटर की 50 लग चुकी है, 25 की दरकार होगी आने वाले की बात 16 गेंदे बनाने हैं 25। इस वक्त मलिक 3 गेंदे 4 पर बल्लेबाजी करे, 2 गेंदे बिंदी खेली, एक चौका बटोरा गया पिछली ओवर की 5वीं गेंद पर। बैट का बाहरी किनारा, विकेट की वजह से सहारा, 100 कैच और मलिक को जाना होगा मैदान के बाहर, विकेट नंबर 7वां बैक टू डगआउट। तो यहां पर निराश कर रहे हैं बल्लेबाज, साथ नहीं दे पा रहे हैं बल्लेबाज कैफ का, जो बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, 13 गेंदे अभी तक खेली है और बात की जाए 32 बल्लेबाज उनका साथ देना होगा शोएब खान इस वक्त मैदान के अंदर। शोएब खान की बात की जाए इस वक्त बल्लेबाजी क्रम में 9वें नंबर पर, थोड़ा सा नीचे भेजा है, बैटिंग लाइनअप है बढ़िया बल्लेबाजी, मगर कैफ को यहां पर साथ देना होगा। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं कैफ, स्ट्राइक पर लाना होगा उनके पास क्षमता, उन्होंने दर्शाया एक चौके 3-4 छक्के की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से मैच बन सकता है टीम की बात की जाए, क्योंकि 3 विकेट और चटकाने पीरवार रॉयल किंग्स को और मैच समाप्त हो सकता है, मगर कैफ के ऊपर निगाहें होंगी। अगर कैफ मैदान के अंदर रहेंगे तो जरूर इस मैच को उड़ा ले जाएंगे, क्योंकि मैच बैलेंसिंग है, मैच बैलेंसिंग है, 15 गेंदे और 25 की दरकार इस मैच को जीतने के लिए, मगर विकेट लगातार गवाए हैं, थोड़ी सी कमजोरी साबित हो रही है एआर के फाइटर 11। हल्के बल्ले से खेला गया था, वहां पर कप्तान पैरों से गेंद को रोका, रन लेना चाहते हैं, गलती कर बैठे और शाहनवाज वहां पर नजर आए थे, एक रन का इजाफा इसको कर जा पहुंचा इस वक्त एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 51 अंकों पर। आने वाली 14 गेंदे और 24 की दरकार, सर 7 विकेट, तो देख सकते 7 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही, माफ कीजिएगा 7 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती टीम नजर आ रही है कैफ। 13 गेंदे 32 पर बल्लेबाजी कर रहे, बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए एक तरफ से अपने पैरों को जमा कर रखा है, जड़ में रखा था, गेंद को खेला गया डीप में, खिलाड़ी मौजूद गेंद की तरफ आगे, गेंद को फील्ड किया जाए, खराब फील्डिंग, ये चौका आया है, रन मिलेगी 4, तो इस वक्त बैठा होगा पार एआर के फाइटर 11 के लिए, ये गलती की गई है और स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 55 अंकों पर, 20 रन की दरकार, आने वाली 13 गेंदे और बनाने हैं 20, 14 गेंदे 36 रन की पारी अभी तक खेल चुके हैं। इस वक्त देख सकते पीर बार की थोड़ा सा दबाव, ये प्रेशर है, ये दबाव साफ नजर आता हुआ खिलाड़ियों पर। कैफ क्या बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज मैदान के अंदर, खूबसूरत बल्लेबाजी, इस वक्त गेंद को कारपेट द्वारा खेला गया डीप पे, फिर से बार खिलाड़ी नजर आएंगे, यहां पर गेंद को रोका जा रहा है सैफ अली और एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे कैफ। बात की जाए स्कोर कार्ड की, स्कोर कार्ड में तो 56 लगे अब तक, 56 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड, 12 गेंदे बनाने, 19.9.50 के औसत रन बनाने हैं। इस मैच को यहां पर देखा जिंदा रखा है बल्लेबाज की बात की जाए कैफ ने, लगातार विकेट आए थे, पहली दो ओवर में 6 रन थे, 4 विकेट आए थे, जब बल्लेबाजी क्रम पर आए बल्लेबाज 6 नंबर पर, वहां से रन आने शुरू हुए। तो ड्रिंक अंपायर से पूछा जा रहा है,
तो चलेंगे इस वक्त ताहिर। तो देखिए किस वक्त स्ट्राइक रेट 246 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे 15 गेंदे और 37 पे बल्लेबाजी कर रहे। क्या बल्लेबाजी कर रहा है, 12 गेंदे और 19 की दरकार। ताहिर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स एंड से आएंगे गेंदबाजी के लिए। यहाँ पर अंपायर दर्शा रहे व्हाइट बॉल ऑफ के बाहर रखी, एक कदम और नजदीक पहुंची है। 12 गेंदे 18 की दरकार है। ये प्रेशर है, बल्लेबाज से दूर रखना चाह रहे हैं, मगर बल्लेबाज की बात की जाए इस वक्त क्या लय में नजर आ रहा। 15 गेंदे 37, 2 चौके और 4 छक्कों की वजह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर कैफ। बड़ा शॉट खेलने के चाहत गेंद ने उछाल ली है और देख सकते हैं इस वक्त डॉट बॉल। तो 11 गेंदे 18 की दरकार, 11 गेंदे 18 बनाने इस मैच को जीतने के लिए एआरके फाइटर की उम्मीदों को यहां पर जिंदा रखा है। उम्मीद बनकर मैदान के अंदर आए हैं कैफ। ऑनसाइड पर खेला, कारपेट डोरे गया, खिलाड़ी आएंगे बादशाह। बादशाह जब तक इनको फील्ड करेंगे, एक रन लिया गया। यहां पर थोड़े से फंबल, गलती की तो पत्रों किया गया और यहां पर क्या देखने को मिलता हुआ, उंगली उठी है। उम्मीद है यहां पर निराश, उम्मीद है यहां पर निराश होती हुई। कैफ पिस सकते मैदान के बाहर, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों में पानी फिराया गया। यहां पर एक था दो लेने की चाहत पे कैप मैदान के बाहर गलती कर बैठे। यहां पर देख सकते हैं डीआरएस की मांग की गई बल्लेबाजी करने वाली टीम कैप द्वारा। तो देख सकते हैं यहां पर अंपायर ने आउट दिया इस फैसले को, रिव्यू मांगा गया। हमारे साथ सुमन नायक सर जुड़ेंगे थर्ड अंपायर की भूमिका में, डीपीएन के माध्यम से डीआरएस लिया जाएगा। तो यहां पर मौका है, अगर ये डीआरएस सक्सेस होता है तो मौका मिलेगा। अगर देख सकते हैं यहां पर विकेट आएगा तो थोड़े से निराश हो गए कैफ, क्योंकि बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। वहां पर शाहरुख थे, थोड़े से फंबल हुए, मगर शोएब का कॉल था। पहला रन नहीं लेना चाहते थे, मगर अपने आप को स्ट्राइक पर पहुंचाना चाहते थे। और देख सकते हैं रन के अंपायर ने आउट दिया है, उस फैसले को यहां पर रिव्यू के रूप में फिर से मांगा गया है। तो यहां पर उंगली उठी है, बल्लेबाज बैक टू डगआउट। बड़ा विकेट, बड़ी मछली इस वक्त जाल में फंसी, ये गलती की गई है क्या। यस, एक ऑफिशियल कॉल होगा अंपायर और कमिटी द्वारा, अंपायर द्वारा, जो आपको रिव्यू के लिए टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के अंदर आपको रिव्यू लेना है। यह आपको ध्यान में रखना होगा, प्लीज आने वाले सभी मैचों के लिए जो भी टीम रिव्यू लेती है आपको वक्त दिया जाएगा। वक्त के अंदर आपको जो वक्त है, हमारे कमिटी मेंबर्स इमरान खान साहब और दर्शाएंगे कितने वक्त के अंदर रिव्यू लेना है। साकिब इस वक्त शॉट खेला गया, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। इस वक्त गेंद को फील्ड करेंगे, वहां पर नजर आ रहे हैं शाबाश, गेंद को फील्ड किया गया मगर तेजी से दो पूरा किए, तेजी से दो रन पूरे करते हुए यहां से रन बनाने बात की बात की जाए। 9 गेंदे और 15 की दरकार, मैच ऑन है। 9 गेंदे 15 स्ट्राइक पर बल्लेबाज की बात की जाए, न्यू बैटर शाकिब नजर आ रहे हैं। 8 विकेट गंवा चुकी है टीम। शोएब नौ स्ट्राइक पर, शोएब की बात की जाए अभी तक उन्होंने एक गेंद खेली है, एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज की बात के ताहिर बढ़िया गेंदबाजी, क्या नॉक खेली थी मिस्टर कैफ ने, खूब से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो उम्मीद थी उस उम्मीद को यहाँ पर तोड़ा गया, रनआउट के बैक टू डगआउट, थोड़े से निराश होंगे और वो मैदान पे थे तो रन बन रहे थे। मैच यहाँ पर जिंदा थी, मगर देख सकते अभी मैच है, ऑन मैच मैदान के नजर आती हुई। बढ़िया शॉर्ट कार्पेट द्वारा खेला गया, आलमगीर को यहाँ पर गेंद बीट किया, गेंद बाउंड्री की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर खूब से फील्डिंग की गई, अनस नजर आए। एक रन के साथ संतोष सोना की क्या फील्डिंग की गई है। स्कोर कार्ड की बात की, स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जब इस वक्त 61, 14 की दरकार, 8 गेंदे 14। जब मैच की शुरुआत हुई थी ऐसा लगा था कि टीम थोड़ी सी पिछड़ती भी नजर आएगी, मगर कैफ ने बढ़िया नॉक खेली, वहां से मैच को बनाए रखा। शोएब खान इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आएंगे। 8 गेंदे 14 इस वक्त मैच को जीते ताहिर, गेंदबाजी करते यार कमेंट्री बॉक्स में। आज शोएब को दिखाना होगा, शोएब को यहां से रन बनाने होंगे। बढ़िया शॉट ऑफ साइड में खेला, डीप में सैफ अली है, गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन का इजाफा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 62, यहां से 7 गेंदे
13 की दरकार, 8 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही एआर के फाइटर 11। एक तरफ पीर वारार के सग रनों को डिफेंड करते हुए नजर आएगी। जड में रखा था कारपेट वर्ग, इनको खेला गया डीप में, अनस नजर आएंगे क्योंकि जब तक फील्ड किया जाएगा बेहतरीन फील्डिंग, एक सिंगल के साथ संतुष्ट होना होगा। देख सकते हैं इस वक्त स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पर लगे 63 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली 6 गेंदे और 12 की दरकार, थोड़ी सी चर्चा की जाएगी, थोड़ा सा टीम ऑर्डर किया जाएगा आखिरी ओवर में किस गेंदबाज को लेकर आगे। अभी देख सकते हैं 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, देख सकते हैं शाबाश ने 2 ओवर डाली है, अलमगीर के 2 ओवर यहां पर समाप्त होते हुए सैफ अली ने 1 ओवर डाली है और ताहिर ने 2 ओवर डाले। तो यहां पर कौन से गेंदबाज को डिश किया जाएगा, कप्तान तो चलेंगे। इस वक्त गेंदबाज की बात की जाए, दूर वाली छोर से सैफ अली को डिश किया जाएगा। 6 गेंदे 12 की दरकार, शोएब एक तरफ नजर आएंगे, एक तरफ बल्लेबाज की बात की साकिब, देखेंगे इस वक्त स्ट्राइक पर साकिब नजर आएंगे, साकिब स्ट्राइक पर होंगे, शोएब नॉन स्ट्राइक पर। तो 6 गेंदे 12 की दरकार, यहां से इस मैच को कौन जीतेगा, मैच क्लोज एनकाउंटर नजर आता हुआ, क्लोज एनकाउंटर नजर आएगा। मैदान के अंदर 8 विकेट जा चुकी है, देख सकते हैं 6 गेंदे 12 8 विकेट गंवा चुकी है टीम। 63 75 का लक्ष्य है, 12 रन चाहिए सर। चलो मैच की शुरुआत की जाएगी इस वक्त, पहली गेंद मिस टाइम, गेंद के नीचे इस वक्त सुफियान, विकेट नंबर 9 वहां पर डाउन होता हुआ। देख सकते हैं आखिरी बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे, बल्लेबाजी के लिए मिस्टर शाहिद को बुलाया गया, शोएब नौ स्ट्राइक पर, आखिरी जोड़ी होगी, 9 विकेट चिटका चुके। तो यहां से 5 गेंदे 12 की दरकार, तो मेहनत यहां पर करनी होगी। कहते हैं ना मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत भी चिड़िया को खाना जरूर देती है मगर घोंसले में नहीं, तो आपको यहां पर मेहनत करनी होगी। 9 विकेट आपके आए, आखिरी उम्मीद आपके पास है, आखिरी विकेट आपके पास है, मगर 5 गेंदे 12 बन सकते हैं अगर आपके पास लक्ष्य का पीछा करने का हौसला हो, आपके पास जज्बा हो तो आप बना सकते हैं। मगर जो संयम बना के रखा था, जो विकेट आया टर्निंग पॉइंट जो साबित हुआ रनआउट के रूप में, कैफ का विकेट आने के बाद थोड़ा सा निराश हुए। 5 गेंदों का खेल बाकी होगा, राइट टू ओवर द विकेट, 12 रन की दरकार। इस टाइम यहां पर आलमगीर नहीं करी गलती और डाउन, 3 विकेट डाउन, इस मैच को जीता 11 रनों से टीम की बात की जाए पीरवार रॉयल किंग्स। मगर एक ऐसा खिलाड़ी जो नजर आया इस मैच में जिन्होंने पूरी तरह से मैच को बना के रखा था, कैफ काबिले तारीफ बल्लेबाजी की। आलमगीर की बात की जाए, विकेट चिटका, कैच लपके गए, बेहतरीन प्लेट पीरवार रॉयल किंग्स। तो हार्ड लक एआर के फाइटर एंड टीम कैप्टन्स। तो चलेंगे इस वक्त मैच की तरफ। 2 ओवर में 13 खर्च किया और 3 विकेट, 2 ओवर में 16 खर्च किया और 3 विकेट चटकाए। मैन ऑफ द मैच हम देखेंगे घर पर माला खेल, 11 गेंद 19 बनाए मिस्टर शाबाज। और यंग टैलेंट की बात की जाए, मिस्टर केफ जिन्होंने बेहतरीन नॉक खोला, बेहतरीन बेस्ट फील्डर बादशाह, बेहतरीन फील्डर का अवार्ड दिया जाएगा। Thank you.
जिसने तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा हरपन वाला खेल दिखा पीर भाई रॉड के खिलाड़ी मिस्टर शबाज खान। हरपन वाला खेल 2 ओवर 16 रन 3 विकेट चटकाए और पीरवाड़ा से कप्तान बेहतरीन फील्डर मिस्टर बादशाह खान। और बात की जाए एआर की फाइटर 11 के यंग टैलेंट खिलाड़ी मिस्टर केफ, आइए आपको ट्रॉफी दिलवाया जाएगा। यहाँ तीसरा मैच हम देखेंगे जेम टाइगर बनाम गुगू 11। ये मैच और मैन ऑफ द मैच जो टी शर्ट दी जा रही है एफ के ऑटो की तरफ से फरहान खान साहब की तरफ से प्रोवाइड किए गए बेहतरीन।